हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5 आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। और आज से हम एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सरल आकृतियों की समझ। दोस्तों, इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको ये सारे एग्जांपल्स आगे की क्लास में भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये दिया गया है, यहाँ पे पेज नंबर 116 में आपको बुक में मिल जाएगा ये सारे एग्जांपल्स। शून्य कौन, न्यून कौन, और आगे भी सम कौन, अधिक कौन, सरल या ऋजु कौन, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कौन, पूर्ण कौन, ये सारे एग्जांपल आपको बुक में मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे शून्य कौन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि जिस कौन की माप शून्य हो, कौन बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी है, घूर्णन शून्य है, तो ऐसे कौन को हम शून्य कौन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिगर भी दिया गया है। दोस्तों, इस फिगर में एक किरण पे दूसरी किरण चढ़ी हुई है, तो ये कौन जो है शून्य कौन है, और इसका घूर्णन भी शून्य है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य कौन। और फिर है न्यून कौन, जिस कौन की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो, पर 90 डिग्री से कम हो, जैसे 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री ETC, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कौन। और यहाँ पे 60 डिग्री का, यहाँ पे 60 डिग्री का एक फिगर बनाया गया है, तो ये 60 डिग्री वाला जो कौन होता है वो न्यून कौन होता है। सम कौन, जिस कौन की माप 90 डिग्री हो तथा कौन बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो, उसे हम सम कौन कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनाया गया है, और इसे हम क्या बोलेंगे, सम कौन। ओके, अधिक कौन, जिस कौन की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो, जैसे कि 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 175 डिग्री ETC, तो यहाँ पे 120 डिग्री वाला कौन बनाया गया है, और ये अधिक कौन है, इसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कौन, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसे अधिक कौन बोलेंगे। दोस्तों, फिर यहाँ पे है सरल या ऋजु कौन, जिस कौन की माप 180 डिग्री हो, इसमें कौन बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती है, यहाँ भी शून्य दूसरी ओर है। दोस्तों, यहाँ पे कौन बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बना रही है, और यहाँ पे बी शून्य के दूसरी ओर है, यहाँ पे शून्य है और शून्य के दूसरी ओर बी है। ठीक है, तो इसका माप जो है, इस कौन का माप 180 डिग्री है, तो ऐसे कौन को हम सरल कौन या फिर ऋजु कौन बोलेंगे। फिर है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कौन, तो जिस कौन की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो, तो उसे हम प्रतिवर्ती कौन या फिर पुनर्युक्त कौन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 210 डिग्री वाला कौन बनाया गया है, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो इसको हम प्रतिवर्ती कौन या फिर पुनर्युक्त कौन बोलेंगे। फिर से यहाँ पे पूर्ण कौन, जिस कौन की माप 360 डिग्री हो, इसमें कौन बनाने वाली किरण OB एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद OA के ऊपर चढ़ जाती है, इसमें और शून्य कौन की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, ये जो कौन है ना, पूर्ण कौन, ये शून्य कौन के जैसा है, क्योंकि शून्य कौन में भी कौन बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती थी, और पूर्ण कौन में भी कौन बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। और यहाँ पे किरण OB एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद, ये किरण OB जो है, ये पूरा चक्कर लगाने के बाद किरण OA पे चढ़ जाती है, तो ऐसे कौन को हम पूर्ण कौन बोलेंगे। ओके दोस्तों, आगे हम और भी ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि पीछे के चित्रों में एक शीर्ष पर दो या दो से अधिक कौन बने हैं। चित्र एक में कौन कौन AOB और कौन BOC बनाने वाली
भुजाओं में एक भुजा ओ बी उभयनिष्ठ है और तथा शेष दोनों भुजाएं ओ बी के दोनों तरफ है। इस प्रकार बने दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और जो एक ही शीर्ष पर बने हो संलग्न कोण अथवा आसन्न कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ कोण ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण और कोण बी ओ सी यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण एक ही शीर्ष पर बना हुआ है और इसमें एक भुजा ओ बी ये वाला जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे संलग्न कोण अथवा आसन्न कोण। और ये वाला कोण भी दोस्तों, ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं ये भी संलग्न कोण है क्योंकि इसमें भी एक भुजा ओ बी उभयनिष्ठ है और एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहे हैं, कोण ए ओ बी यानी यहाँ पे एक कोण बनेगा और फिर कोण बी ओ सी और यहाँ पे एक कोण बनेगा। तो एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहे हैं और एक भुजा ओ बी उभयनिष्ठ है, तो ये आसन्न कोण हम इसे बोलेंगे या फिर संलग्न कोण बोलेंगे। दोस्तों आप ये जो चित्र तीन देख रहे हैं ये आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण नहीं है क्योंकि इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें आपको दिख रही होगी दो भुजा है। दोस्तों आसन्न कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक ही शीर्ष पर दो कोण बनते हैं, तो ऐसे कोण को हम आसन्न कोण बोलते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि इसी प्रकार चित्र टू में कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी को देखकर बताएं कि क्या ये आसन्न कोण है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है चित्र टू के बारे में। तो फ्रेंड्स, चित्र टू जो है वो आसन्न कोण या संलग्न कोण है क्योंकि उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है और एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्र तीन के बारे में दिया गया है कि क्या चित्र तीन में बने कोण कोण एक्स ओ ए और कोण बी ओ वाई आसन्न कोण कहे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इनके शीर्ष तो एक है पर उनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था चित्र तीन के बारे में, और आगे आपको ये फिगर देखने को मिलेगा, ये दोनों फिगर, और इसके बारे में भी नीचे दिया गया है कि चित्र फोर में दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री है, ऐसे कोणों का जोड़ा रेखीय युग्म कहलाता है। यहाँ कोण बनने वाली भुजाएं ओ ए तथा ओ सी एक दूसरे के विपरीत है तथा ओ बी उभयनिष्ठ है। पहले ये वाला लाइन हम लोग समझते हैं, दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री है यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। और तो ऐसे कोणों का जोड़ा रेखीय युग्म कहलाता है, तो इसे हम रेखीय युग्म बोलेंगे। यहाँ कोण बनाने वाली भुजाएं ओ ए यानी ओ ए और ओ सी ओ सी एक दूसरे के विपरीत है तथा ओ बी उभयनिष्ठ है। ये दोनों भुजा जो है एक दूसरे के विपरीत है, ओ ए और ओ सी और ओ बी उभयनिष्ठ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेखीय युग्म। दोस्तों ये वाला जो फिगर है ये वाला भी रेखीय युग्म ही है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि चित्र पाँच में चार कोण बने हैं, यहाँ पे चार कोण बने हुए हैं, एक दो तीन और ये चार, और जो दो रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो इन चारों कोणों से दो रेखीय युग्म बन रहा है और इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये जो चारों कोण हैं इसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अगर आप इसके चारों को माप कर देखेंगे तो इन कोणों के आमने सामने का जोड़ा बराबर मिलेगा। चित्र में कोण ए ओ बी, ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण और कोण सी ओ डी, सी ओ डी यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है। मान लीजिए अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 80 डिग्री का ही होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों को दर्शाया गया है, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी तथा कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, कोण बी ओ सी यानी कि ये वाला कोण और कोण ए ओ डी यानी ये वाला कोण, ये दोनों भी बराबर होगा। तो यहाँ पे आमने सामने वाला जो कोण है वो दोनों बराबर है, तो ऐसे कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और ये भी रेखीय युग्म है क्योंकि मान लीजिए ये 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो ये 100 और 80 मिलके 180 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 100 और 80, एक इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 180 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ के भी 180 होगा, और फिर इन
इन दोनों को भी जोड़ के 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमने अभी रेखीय युग्म का परिभाषा देखा कि दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोणों का जोड़ा क्या कहलाता है, रेखीय युग्म। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है इन दोनों कोणों को जोड़ के, तो इसे हम रेखीय युग्म बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्रों में सभी आसन कोण युग्मों और रेखीय कोण युग्मों को पहचानिए। ठीक है, तो ये वाला जो फिगर है ये इसे हम रेखीय युग्म नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो ये आप रेखा देख रहे हैं यहाँ तक सीधी रेखा है, पर जब यहाँ से ये रेखा गुजर रही है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। रेखीय युग्म जो होता है जिस आधार पे, यानी कि उसका जो बेस होता है, आधार जो होता है उस पे जो भी कोण बन रहा है वो आधार एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, सरल रेखा होनी चाहिए, पर यहाँ पे ये वक्र रेखा है तो इसीलिए ये रेखीय युग्म नहीं है, ये इसे हम आसन कोण बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक भुजा उभयनिष्ठ, इस भुजा को हम उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है और यहाँ पे भी एक कोण बन रहा है, तो इसे हम आसन कोण बोल सकते हैं, पर ये रेखीय युग्म नहीं है। और ये वाला जो आप फिगर देख रहे हैं ये आसन कोण है, क्योंकि एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ पे भी दोस्तों एक ही शीर्ष पर दो कोण बन रहा था, तो इसीलिए हम इसे आसन कोण बोल सकते हैं। और ये भी आसन कोण है, और ये रेखीय युग्म है, और ये भी रेखीय युग्म है, और ये भी रेखीय युग्म है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और ये भुजा जो है उभयनिष्ठ है, और ये और इसका जो आधार है ये एकदम सरल रेखा है, तो इसे हम रेखीय युग्म बोलेंगे। और इसी तरह से ये भी रेखीय युग्म है और ये भी रेखीय युग्म है। दोस्तों इस वाले फिगर को हम रेखीय युग्म बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रेखा, सरल रेखा, और यहाँ पे दो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का जब हम योग करेंगे तो 180 होगा, तो इसे हम रेखीय युग्म बोल सकते हैं। पर ये आसन कोण हम इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ये रेखीय युग्म हो गया और ये हो गया आसन कोण। और यहाँ दूसरे नंबर में है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या दोनों कोण रेखीय युग्म का निर्माण कर रहे हैं, यदि हाँ तो कैसे। दोस्तों यहाँ पे इस फिगर में इस दोनों कोण के बारे में पूछा गया है कि ये दोनों कोण जो है ये रेखीय युग्म का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे ये वाला कोण 80 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 80 डिग्री का होगा, और ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 का ही होगा, और जब हम 80 और 100 को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। आसन कोण का परिभाषा यही है कि जब दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वैसे कोण को हम रेखीय युग्म कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे दिया गया, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 डिग्री, और वाई को हम 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोण रेखीय युग्म का निर्माण कर रहे हैं। और नीचे दिया गया है पूरक कोण, दो कोण जिनके अंश मापों का योग 90 डिग्री हो पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 और 60 को जब हम जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण, या फिर 18 और 72, जब 72 और 18 को भी जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, तो ऐसे कोण को हम कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिए गए चित्रों में कौन से कोण पूरक कोण के युग्म बनाते हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरक कोण का युग्म बना रहा है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी पूरक कोण का युग्म बना रहा है। तो यहाँ पे संपूरक कोण, दो कोण जिनके अंश मापों का योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण या फिर ऋजु कोण कहलाते हैं, जैसे कि 30 डिग्री और 150 डिग्री, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे कोण को हम बोलेंगे संपूरक कोण, या फिर 58 और 122 डिग्री। और यहाँ पे जितने भी फिगर दिए गए हैं यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों कोण को, तो यहाँ पे ये संपूरक कोण बना रहे हैं, तो ये संपूरक कोण के युग्म हैं, और 122 और 58 डिग्री ये दोनों भी संपूरक कोण के युग्म हैं। दोस्तों यहाँ पे रेखाओं का प्रतिच्छेदन, यहाँ पे आपको ये तीनों फिगर दिख रहे होंगे,
और यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ रेखा R और S को यदि आप आगे बढ़ाते जाएं तो क्या ये कभी आपस में मिलेंगी, तो ये दोनों रेखा कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी रेखा को हम बोलेंगे समानांतर रेखा। यहाँ पे है अतः ऐसी रेखा जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे, या ऐसी रेखाएं जो दोनों सिरों से बढ़ाने पर कभी ना मिले, तो ऐसी रेखा को हम समानांतर रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे चित्र 2 में है कि जब रेखा P और Q को आगे बढ़ाया गया तो वो एक दूसरे को काटती हैं। वे रेखाएं जो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। और रेखाओं का प्रतिच्छेदन अलग अलग झुकाव पर हो सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वे रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को काटती है तो उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यहाँ पे आप ये दोनों जो रेखा देख रहे हैं, अगर हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काटेगी, तो ऐसे रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखाएँ बोलते हैं, ठीक है। और फिगर 3 यानी चित्र 3 में दिया गया है कि रेखा L और M प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं। यहाँ L और M प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये L रेखा M को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है यानी काट रही है। यहाँ रेखा L का M पर झुकाव 90 डिग्री का है, रेखा M पर झुकाव 90 डिग्री का है, तो ऐसे रेखा को हम लंबवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा फिगर है, इसे हम बोलेंगे लंबवत रेखा। यहाँ पे फिगर 4 और फिगर 5 है। तो इस फिगर के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि रेखा L, रेखा M तथा N को दो अलग अलग बिंदु O तथा P पे काटती है, तो यहाँ रेखा L रेखा M तथा N की त्रिकछेदी रेखा कहलाती है। रेखा L जो है रेखा M और रेखा N की त्रिकछेदी रेखा कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे रेखा L जो है इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पे काट रही है, एक बिंदु O है तो दूसरा बिंदु P है, तो ऐसे रेखा को हम बोलेंगे त्रिकछेदी रेखा। एंड दोस्तों यहाँ पे फिगर 5 दिया गया है कि रेखा A रेखा B और C को O बिंदु पर काटती है, पर यह रेखा B और C की त्रिकछेदी रेखा नहीं है क्योंकि त्रिकछेदी रेखा होने के लिए रेखाओं का अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन यानी कि काटना जरूरी होता है। अतः रेखा A और B और C की त्रिकछेदी रेखा नहीं है। रेखा A B और C रेखा की त्रिकछेदी रेखा नहीं है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि त्रिकछेदी रेखा होने के लिए अलग अलग बिंदुओं पर काटना जरूरी है, पर यहाँ पे रेखा A एक ही बिंदु पर काट रही है इन दोनों रेखाओं को, इसलिए ये त्रिकछेदी रेखा नहीं होगी। त्रिकछेदी रेखा ऐसी होती है जिसमें कि एक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो ऐसी रेखा को हम त्रिकछेदी रेखा बोलते हैं, ओके। दोस्तों यहाँ पे फिगर दिया गया है, यहाँ पे मिलान करने के लिए बोला गया है त्रिकछेदी रेखा। तो त्रिकछेदी रेखा कौन सी हो जाएगी, और लंबवत रेखा, समानांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। तो समानांतर रेखा तो ये वाली हो जाएगी, और त्रिकछेदी रेखा हो जाएगी ये वाली रेखा, क्योंकि ये रेखा जो है इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे हम बोलेंगे त्रिकछेदी रेखा। और लंबवत रेखा ये वाली हो जाएगी, और समानांतर रेखा तो मैंने बताया, और प्रतिच्छेदी रेखाएं ये वाली हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस रेखा को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद जरूर करेगी यानी जरूर काटेगी कहीं ना कहीं, तो ऐसे रेखा को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ओके। दोस्तों यहाँ पे है त्रिभुज के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है कि नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हैं, इनमें से कौन कौन सी आकृतियाँ त्रिभुज है उन्हें सही करें, तो ये सारे फिगर आपको मिल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज नहीं है क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएँ, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। और यहाँ पे इसकी परिभाषा भी दी गई है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है,
इसमें तीन भुजाएं एवं तीन कोण होते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को देखा होगा। नीचे बने त्रिभुजों को देखें, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बिल्कुल बराबर है, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और यहाँ पे समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है कि ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और विषमबाहु, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा चतुर्भुज के प्रकार। यहाँ पे आप ये सारे फिगर देख रहे हैं, और यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इसे हम बोलते हैं वर्ग। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर यानी कि 90 डिग्री का हो, तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, वर्ग। और इसे हम बोलेंगे आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर। यहाँ पे आयत में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है और समानांतर होती है, तो ऐसे चित्र को, ऐसे फिगर को हम बोलते हैं आयत। और यहाँ पे है समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं समानांतर तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे तो इसे हम क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर है और आमने सामने की भुजाएं भी बिल्कुल बराबर है और सम्मुख कोण भी बराबर है। सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बिल्कुल बराबर है, तो ऐसे तो हम इसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। फिर यहाँ पे है दोस्तों समानांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर। आमने सामने के कोण अर्थात सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, तो इसे हम बोलेंगे समानांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों यहाँ पे है समलंब चतुर्भुज। आमने सामने की भुजाओं के जोड़े में एक जोड़ा समानांतर हो, तो हम इसे बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।